समाजवादी हूँ। आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर एक सभा का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने आगामी 26 जनवरी को होने वाले विशाल रैली को लेकर अपनी रूपरेखा तैयार की। ज्ञात हो कि पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के आह्वान पर आगामी 26 जनवरी पर समाजवादी कार्यकर्ताओं का प्रदेश व्यापी जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन होगा। यह धरना प्रदर्शन किसान विरोधी 3 बिलों के खिलाफ होगा। ज्ञात हो कि लगातार इस बिल का विरोध सारी पार्टी कर रहे हैं, यही नहीं खुद कोर्ट ने भी इस बिल पर फिलहाल रोक लगा दिया। अब देखने वाली बात यह होगी कि आगामी 26 जनवरी पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा होने वाली इस रैली को जिला प्रशासन किस प्रकार से देखता है। समाजवादी पार्टी किसान भाइयों के समर्थन में रैलियां निकाल रही हैं। आगे आप लोगों का 26 जनवरी का कार्यक्रम जिला प्रशासन की तरफ से ऐसा बार बार आप लोगों को अवरोध डाला जा रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में जिला प्रशासन का रवैया? देखिए, जिला प्रशासन का रवैया तो बहुत ज़्यादा सख्त है। वो जिला प्रशासन तो वैसे भी विपक्ष के लिए अपराधियों जैसा व्यवहार कर रही है, और रहा बात 26 तारीख की रैली के लिए, तो वो हमारे परम आदरणीय परम श्रद्धेय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का जब आदेश आ गया है, तो हम छोटे सिपाही समाजवादी पार्टी के एकदम नहीं पीछे रुकेंगे, ना हम लोग के पैर रुकेंगे। हम सब चलेंगे तहसील पर और विरोध दर्ज कराएंगे, और किसान भाइयों के समर्थन में हम खड़े रहेंगे। प्रदेश व्यापी आप लोगों का विरोध है? जी, ये पूरे उत्तर प्रदेश में सभी समाजवादी पार्टी के सभी जिलों में सभी लोगों ने विरोध वोट दर्ज कराएंगे।